गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर चिल्ड्रेन, दिस इज मोना फ्रॉम MVM पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 8, आवर स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. लेट्स स्टार्ट. द बैकबोन और स्पाइन. बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी. द बैकबोन ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक डाउनवर्ड टू द हिप रीजन. It is not straight. It has a shape of S. Can you tell how this shape help us? Backbone जो है spine कहते हैं. Backbone को spine कहते हैं या तो vertebral column कहते हैं. ये neck से लेके hip तक होता है और ये S shape का होता है. किस shape का होता है? S आकार का. क्या आप बता सकते हैं क्यों? आप हमें बताइएगा, comment box में बताइएगा. Backbone is made up of 33 small bones. Backbone जो है 33 small bones से जुड़कर बना है, जिसको हम vertebrae कहते हैं और हर एक vertebrae को vertebra कहते हैं. The backbone give elasticity of our body. ये क्या करता है? हमारे body को लचीला बनाता है. कौन? Backbone. We can bend our body forward, backward, left or right with the help of the backbone. हम झुक सकते हैं, पीछे मुड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सभी साइड मुड़ सकते हैं ना. किसकी हेल्प से? बैकबोन के हेल्प से. द बैकबोन एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन किससे घिरा होता है? घिरा होता है और स्पाइनल कॉर्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. टू कीप अवर बैकबोन हेल्दी वी शुड मेंटेन करेक्ट पॉस्चर. बैकबोन को हेल्दी करने के लिए हमें सही आसन रहना चाहिए. फिगर देखिए बैकबोन का. द रिब्स मीन्स पसलियाँ. द थिन लॉन्ग एंड कर्व बोन लोकेटेड इन अवर चेस्ट आर कॉल्ड रिब. पतला सा, लंबा सा और घुमावदार जो बोन हमारे चेस्ट में है उसको हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं. देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स ऑल टुगेदर. टोटल 12 पेयर रिब्स हैं, 12 जोड़ी रिब्स हैं हमारे बॉडी में. दे मेक अ केज, मतलब एक पिंजरा बनाते हैं जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम रिब केज कहते हैं. द रिब, फिगर में देखिए, द रिब केज प्रोटेक्ट द हर्ट एंड लंग्स. ये क्या करते हैं? हमारे हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. द रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन एट द बैक. रिब्स क्या है? बैकबोन से पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है और आगे की तरफ फ्लैट होता है बोन, जिसको हम स्ट्रेनम कहते हैं. फिगर में देखिए, इन द फ्रंट सामने की तरफ लास्ट टू पेयर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब. और आखिरी दो पेयर को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर ज्वाइंट टू द बैकबोन वाले, क्योंकि ऐसे बैकबोन से ज्वाइंट होते हैं. दे आर ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन, और ये ब्रेस्ट बोन से भी जुड़े हुए होते हैं. कैन यू थिंक वाई? क्या आप सोच सकते हो क्यों? बेटा, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना. जो भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. आइए, द लिम्स. द आर्म एंड लेग ऑफ आवर बॉडी आर कॉमनली कॉल्ड लिम्स. आर्म और लेग को, जो हमारी बॉडी, हमारे आर्म और लेग को मिलाकर लिम्स बनता है, उसमें दो पेयर होता है. आर्म आर कॉल्ड द फोर लिम्स. आर्म को फोर लिम्स या अपर लिम्स कहते हैं और लेग को हिंड लिम्स कहते हैं या लोअर लिम्स कहते हैं. ईच आर्म हैज़ 3 मेन बोन. हर एक आर्म में 3 मेन बोन होता है. अ बोन कॉल्ड ह्यूमरस. बोन को ह्यूमरस कहते हैं, अपर वाले बोन को ह्यूमरस कहते हैं. फिगर में देखिए सभी लोग. द टू बोन कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. टू बोन को हम क्या कहते हैं? रेडियस और अल्ना. अल्ना मीन्स कोहनी की हड्डी. आइए देखते हैं नेक्स्ट. द लो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? द ये पैर का. लिम्स में दो चीज़ें हैं ना, आर्म में, आर्म और क्या है? लेग्स. आर्म और लेग्स है. अब आइए हम लेग का पढ़ेंगे. द लोअर एंड ऑफ अल्ना एंड रेडियस आर कनेक्टेड टू द रिस्ट. जो लोअर एंड होता है अल्ना का, वो रिस्ट से जुड़ा होता है, मतलब कलाई से. द रिस्ट, पाम एंड फिंगर हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन. रिस्ट में, पाम, रिस्ट, पाम में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं. ईच लेग ऑल्सो हैज़ 3 बोन. हर एक लेग में 3 बोन है. द अपर लेग अ बोन कॉल्ड फीमर. अपर लेग जो होता है, थाई बोन, वो फीमर होता है और वो बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है. द लोअर लेग हैज़ 2 बोन कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला. लोअर एंड में, लेग में 2 बोन होते हैं, टीबिया और फिबुला. द लोअर एंड ऑफ द टीबिया एंड फिबुला आर कनेक्टेड. जो लोअर एंड होते हैं टीबिया और फिबुला, किससे जुड़े होते हैं? एंकल से और टोज से जुड़े हुए होते हैं. किससे जुड़े हुए होते हैं? एंकल और
टोज से. अवर टोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. हमारे टोज जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से जुड़कर बने हैं. अवर आर्म एंड फीट हैव द सेम नंबर ऑफ बोन. हमारे आर्म और फीट में सेम नंबर बोन होते हैं, बराबर बोन होते हैं, 26. द लिम्स आर अटैच टू द ग्रिडल. लिम्स किससे जुड़े होते हैं? ग्रिडल्स. हमारी बॉडी में अ पेयर ऑफ शोल्डर और पेक्टोरल ग्रिडल्स. पेक्टोरल मीन्स आंशपेशी घेरा. अपर लिम्स आर अटैच टू द बैकबोन. अपर लिम्स किससे जुड़े होते हैं? बैकबोन से, विद द हेल्प ऑफ अ पेक्टोरल ग्रिडल्स. अ पेयर ऑफ हिप और पेल्विक ग्रिडल. पेल्विक मीन्स श्रोणि कर्धनी. लोअर लिम्स आर अटैच टू द बैकबोन. लोअर लिम्स किससे जुड़े होते हैं? बैकबोन, विद द हेल्प ऑफ ग्रिडल्स. किसकी मदद से? ग्रिडल्स की. ज्वाइंट्स. ज्वाइंट्स मीन्स जोड़. अ ज्वाइंट इज द प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट. ज्वाइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन्स मिलते हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू. ये किससे जुड़े होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं. वी कैन मूव अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट. अपनी बॉडी को हम कैसे मूव करते हैं? ज्वाइंट की मदद से. अवर बॉडी हैज़ मोर देन 100 ज्वाइंट. हमारे बॉडी में 100 से अधिक ज्वाइंट्स हैं. दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ ज्वाइंट इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में दो तरह के ज्वाइंट हैं. कौन कौन से? इमूवेबल ज्वाइंट और मूवेबल ज्वाइंट. इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकता, और मूवेबल मतलब जो मूव कर सकता है. इमूवेबल ज्वाइंट डू नॉट परमिट मूवमेंट. ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को, बोन्स को परमिशन नहीं देते. कहते हैं कि तुमको नहीं मूव करना है. दीज ज्वाइंट आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल एंड पेल्विक. ये कहाँ मिलता है? स्कल में और पेल्विक में. मूवेबल ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन. और मूवमेंट ज्वाइंट क्या करता है? मूवेबल ज्वाइंट किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है, समझ में आया ना? मूवेबल और इमूवेबल, नेम से ही पता चल रहा है. इमूवेबल मतलब जो मूव ना करता हो, मूवेबल मतलब जो मूव करता है. ठीक है ना? इमूवेबल ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट जो मूव नहीं करता, और मूवेबल ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट जो मूव करता हो. ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड फंक्शन द मूवेबल ज्वाइंट आर फोर टाइप. मूवेबल ज्वाइंट जो है चार तरह के हैं. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. इन दिस ज्वाइंट द वन एंड ऑफ बोन इज राउंड इन शेप. इसमें क्या होता है? एक एंड जो है बॉल शेप का होता है, और दूसरा जो है कटोरी आकार का, गड्ढा आकार का होता है. द बॉल शेप एंड ऑफ वन बोन फिट इन टू द सॉकेट शेप एंड ऑफ एनदर बोन. जो बॉल शेप होता है और जो सॉकेट मीन गड्ढा टाइप का होता है, वो एक दूसरे में फिट किया जाता है. दिस ज्वाइंट इज फाउंड इन दिस. ये कहाँ मिलता है? हिप और शोल्डर में. इस तरह का ज्वाइंट कहाँ होता है? हिप और शोल्डर में. दे अलाउ फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ये सभी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना? ये कैसा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? एक बॉल होता है और एक कटोरी जैसा शेप होता है, और उसी में दोनों बॉल और वो जो सॉकेट है एक दूसरे में फिट होता है. और ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. और ये कहाँ कहाँ होता है? शोल्डर में और हिप में. बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? शोल्डर और हिप में. ठीक है ना? अब हम देखते हैं दूसरा ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन इन वन डायरेक्शन वाली. ये इससे क्या होता है? सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है. जस्ट लाइक द हिंग्स इन अ डोर. जैसे डोर में, डोर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. ये कहाँ होता है? नी में, एल्बो में, फिंगर में एंड टोज में. पाइवोट ज्वाइंट. इट इज़ फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन. बैकबोन के पहले दो वर्टिब्रा में ये मिलते हैं. द स्कल इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टू वर्टिब्रा. स्कल जो है पहले दो वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं बैकबोन, विद द पाइवोट ज्वाइंट. इट अलाउ अवर हेड टू मूव साइड वे. क्या करते हैं? हमारे हेड को साइड में, ऊपर नीचे, अगल बगल मूव करने में हेल्प करते हैं. ग्लाइंडिंग ज्वाइंट. इट इज़ फाउंड इन द बोन्स ऑफ द रिस्ट. ये कहाँ होता है? रिस्ट और एंकल में फाइंड होते हैं, मिलता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड बिटवीन एनी टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन. दो बैकबोन के वर्टिब्रे के बीच में मिलता है. इट अलाउ बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन द ग्लाइंडिंग मोशन. ये क्या करते हैं? स्लाइड करने में, बोन्स को एक दूसरे के विपक्ष में स्लाइड करने में हेल्प करते हैं. ग्लाइंडिंग मोशन मतलब गति प्रदान करना, ऐसा मोशन जिसको हमें गति प्रदान करता है, मूवमेंट देता है कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, परमिशन देता है मूवमेंट करने का. इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइंडिंग मूवमेंट. चिल्ड्रेन, टुमारो आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, टुमारो आई विल टीच यू द मस्कुलर सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ मसल्स. ओके चिल्ड्रेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर दिस वीडियो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. फॉर टुडे बाय एंड थैंक यू.